है कि यहाँ पर पानी भी बहुत है, तो बारिश हुई थी तो इसलिए अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इधर ताल है और टिल्ले होते हैं मिट्टी के, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आपको। चालू करते हैं। अच्छा ये जो बाइक है गाइस, ये स्टैंड ये लगा हुआ है, अगर इसको ऊपर नहीं करेंगे तो ये भारी बाइक है। हेलो गाइज, मैं आपका भाई नसीम बढ़िया, मेरे को न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं अभी हूँ अपने गांव, तो ये अपना दोस्त है, तो अभी चलते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आया था गांव, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पानी भी बहुत है, तो बारिश हुई थी तो इसलिए अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इधर ताल है और इधर आपको दिखाई दे रही होगी, इधर पीछे एक बाइक वाला है, बाइक वाला कीचड़ में डाल दी बाइक और उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो चलते हैं गाइज, ले भाई रवाना कर बाइक को। तो गाइस, तो अभी चलते हैं, जो राजस्थान के बहुत बड़े बड़े ये टिल्ले होते हैं मिट्टी के, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आपको, रास्ते बने रहना। हेलो गाइस, मैं आपका भाई नसीम बढ़िया, मेरे को न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं अभी हूँ अपने गांव, तो ये अपना दोस्त है, तो अभी चलते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आया था गाँव, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पानी भी बहुत है, तो बारिश हुई थी तो इसलिए अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इधर ताल है और इधर आपको दिखाई दे रही होगी, इधर पीछे एक बाइक वाला है, बाइक वाला कीचड़ में डाल दी बाइक और उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो चलते हैं गाइस, ले भाई रवाना कर बाइक को। तो गाइस, तो अभी चलते हैं, जो राजस्थान के बहुत बड़े बड़े ये टिल्ले होते हैं मिट्टी के, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आपको, रास्ते बने रहना। अपने हम दोस्त अभी यहाँ पर जाएंगे और इधर ये आपको टिल्ले दिख रहे हैं मिट्टी के, यहाँ पर बारिश भी हुई है, यह बहुत ही बढ़िया फर्श बन चुका है। तो अभी इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो बाइक को चलाएंगे, वो आपको भी नज़ारा देखेंगे। तो देखो गाइस, गाइज आपको ये नज़ारा कैसा लगा जो आपने ये पीछे देखा था? तो ये देखो, यहाँ पर राजस्थान में ऐसे घर होते हैं कहीं, जहाँ के जहाँ पर ज़्यादा बड़े टिल्ले होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे घर होते हैं। तो इस घर पर जाएंगे, घर के पास जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी बाइक जो ये टिल्ला दिख रहा है रेत का, ये तो इससे थोड़ा सा आगे है, वहाँ पर हमने वहीं पर रोड पर छोड़ दी थी, तो यहाँ पर आ जाती तो थोड़ा सा वहाँ पर लेकर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सफ़ेद सफ़ेद वाली दिख रही है आपको, इसको कहते हैं यहाँ पर गांव में खुम्बी, जो कि राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान के। तो ये जो खुम्बी होती है, इसकी जो सब्जी बनती है वो बहुत ही
लजीब होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है गाइज, बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देख सकते हो ऊपर जा रहे हैं। तो गाइज अपने भाई को एक चीज़ मिल गई है, तो ये देख सकते हो। तो गाइज ये आपको ये घर दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही पुराना घर है। तो ये देखो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर लोग रहते थे, तो अब नहीं रहते कोई भी यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी छतें, जो इसको यहाँ पर एक टाइप का पौधा होता है, पौधा होता है उससे ये छत बनती है, जिसको खीफ नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के अंदर। तो गाइज हम बहुत ही दूर आ गए, इधर देख सकते हो तो दिख रहा होगा आपको गांव, तो वहां जाएंगे, गांव ककराला है। तो अभी चलते हैं बाइक के पास, तो वहां पर बाइक हमने ऐसे छोड़ा है गाइज। तो गाइज हमारी जो बाइक है, हमने बाइक बहुत ही दूर छोड़ दी थी रोड पर, और अब जा रहे हैं वहीं पर बाइक के पास। तो देखते कोई ले ना जाए, और कोई दिक्कत नहीं है, चोरी को चोरी वाला सिस्टम तो नहीं है यहाँ पर राजस्थान के अंदर, या हमारे गांव में नहीं है, दूसरी जगह तो बहुत होगा यार, वो पूरी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता मैं राजस्थान के। तो चलते हैं गाइस, यहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है जब बारिश नहीं होती, तो अब बारिश हुई है अभी कोई। तो फाइनली गाइज हम अपनी बाइक के पास पहुँच गए हैं, तो अभी चलते हैं गाँव। तो गाइज ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे न्यू व्लॉग देखने के लिए आपके भाई को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर दो गाइज, खिला दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और भाई जय हिंद।